हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वेक्टर एडिशन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, आज हम देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन जो ये पॉली है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी साइड्स के थ्रू। ट्रायंगल के अंदर तो क्या होता था, तीन साइड्स के थ्रू, पैरेललोग्राम के अंदर चार साइड्स होती थी, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी साइड्स, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर, अब बहुत सारी साइड्स हैं तो इसका मतलब बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, तो ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। मतलब बहुत सारे वेक्टर्स पॉलीगन की बहुत सारी साइड्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे ये पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब जिसके बहुत सारी साइड्स हैं, तो बहुत सारे वेक्टर कौन कौन से, ए वेक्टर पॉलीगन की एक साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, बी वेक्टर पॉलीगन की दूसरी साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, सी वेक्टर उसकी थर्ड साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, डी वेक्टर उसकी फोर्थ साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, और ई वेक्टर उसकी फिफ्थ साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम कितने भी वेक्टर्स ले सकते हैं और पॉलीगन की कितनी भी साइड्स बना लो, उसके थ्रू हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन के अंदर भी। तो अब देखो इतने सारे वेक्टर हो गए तो उसके रिजल्टेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। ट्रायंगल लॉ के अंदर तो उसकी थर्ड साइड ने रिप्रेजेंट कर दिया था, पैरेललोग्राम के अंदर उसके डायगोनल ने रिप्रेजेंट कर दिया था, पॉलीगन के अंदर जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी ना, मतलब जो उसकी लास्ट साइड बचेगी, सबसे लास्ट वाली जो एक साइड बचेगी ना, वही उसका रिजल्टेंट होगा, मतलब उसकी क्लोजिंग साइड। Then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by किसके थ्रू, क्लोजिंग साइड जो क्लोज करती है पॉलीगन को, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये सारे वेक्टर की डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी इसे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सभी ऐसे जा रहे हैं तो यहां से ये अपोजिट होगी, उन सभी का अपोज कर रही है, तो ये हो गया रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब हम देखते हैं आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहां पर इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर लो, ए को हमने सी से ज्वाइन कर लिया है, तो अब ये क्या बन गई, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल, तो यूजिंग ट्रायंगल ला यूज करेंगे, तो जो ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग क्या होता था, ट्रायंगल की दो साइड्स दो एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसकी थर्ड साइड उनके सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पे देखो थर्ड साइड कौन सी होगी इसकी, एसी, तो एसी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब एसी की वैल्यू कितनी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ए प्लस बी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन कर दो, ए को डी से ज्वाइन करेंगे तो अगेन यूजिंग ट्रायंगल ला, कौन से ट्रायंगल पर, ऑन ट्रायंगल ए सी डी, ये जो सेकंड वाली ट्रायंगल है इसके ऊपर हमने ट्रायंगल ला अप्लाई कर दिया है। जब हम इस पर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो फिर से अब इस ट्रायंगल की दो साइड्स कौन सी हैं, यहां पर देखो दो साइड्स हो गई इसकी, ए सी प्लस सी बी, और वो किसके इक्वल होगी, थर्ड साइड ए डी, मीन्स ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। एक ट्रायंगल की ये जो दो साइड्स है, इस ट्रायंगल की एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई, दोनों सेम ऑर्डर में है, तो जो दो साइड सेम ऑर्डर में होगी उनका सम तीसरी साइड जो उनसे अपोजिट ऑर्डर में है उसके इक्वल पुट कर दो। तो AD की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, AC की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब CD की क्या वैल्यू है,
सी वेक्टर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं, जॉइन ए टू ई, ए टू ई, जॉइन ए टू ई, ए को ई से हमने क्या कर लिया है, जॉइन कर लिया है। अगेन यूजिंग ट्रेंगला, यूजिंग ट्रेंगला ऑन, कौन सी ट्रेंगल बन गई, अब ये वाली ट्रेंगल बन गई, कौन सी है, ए डी ई, ए डी ई, इस ट्रेंगल के ऊपर ट्रेंगल अप्लाई कर। फिर से देखो, जो इस ट्रेंगल की ये वाली साइड है, इसका ऑर्डर ये, इसका ऑर्डर ये, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड जिसका ऑर्डर है ये वाला, तो ए ई किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस डी ई। अब ए डी किसके इक्वल है, ए डी की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डी ई की वैल्यू क्या है, डी वेक्टर, डी वेक्टर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए ई की। अब लास्ट स्टेप है, ट्रेंगल बच गई ये वाली ट्रेंगल, इसमें फिर से ट्रेंगल ला अप्लाई कर दो, यूजिंग ट्रेंगल ला ऑन ट्रेंगल ए ई एफ, ए ई एफ के ऊपर ट्रेंगल ला अप्लाई करो, तो इसके ऊपर ए ट्रेंगल ला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाली साइड इसकी इस तरफ, ये वाली साइड इसकी इस तरफ, तो क्या बन गया, ए एफ इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ, सबकी वैल्यू पुट करो, ए एफ की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, ए ई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ई एफ की वैल्यू क्या है, ई वेक्टर, तो यहां से क्या आ गया, ई वेक्टर। यही तो हमारी पॉलीगन लॉ की डेफिनेशन थी। इसमें भी इन्होंने ये क्या कहा था कि जो क्लोजिंग साइड होगी, जो पॉलीगन को क्लोज करेगी, वो किसके इक्वल होगी, सारी साइड्स के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो सारी साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हैं, उनका सम किसके इक्वल आएगा, क्लोजिंग साइड के वेक्टर के इक्वल। क्लोजिंग साइड का वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट है, तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अभी तक हमने दो वेक्टर का एडिशन देखा था, लेकिन अगर बहुत सारे वेक्टर्स है तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, इस तरह से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। वेक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव मीन्स इस तरह से कि मान लो दो वेक्टर से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ए के अंदर बी को जोड़ दो या फिर बी के अंदर ए को जोड़ दो, एक ही बात होगी, यही कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मींस चाहे हम ए के अंदर बी को लेकर जोड़ दे या फिर बी के अंदर ए को लाकर जोड़ दे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो मतलब वेक्टर एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। सेकेंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर सी वेक्टर, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम शुरू में ए प्लस बी को ऐड कर दे और फिर उसके अंदर सी को ऐड करें, ठीक है, उससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट तब आएगा जब हम बी और सी को पहले जोड़ दे और सबसे लास्ट में ए को जोड़ें। तो ये प्रॉपर्टी जब तीन को ले लेते हैं तो, और वो भी ब्रैकेट को इंक्लूड करके, तो वो हो जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया है लैम्डा, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। मतलब कि अगर मैं सबसे पहले a प्लस बी दो वेक्टर उन दोनों को जोड़ दूं और फिर जो नंबर दिया है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, तो पहले a और b को जोड़ो और फिर उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही रिजल्ट आएगा जब लैम्डा को पहले a से मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा को पहले फिर b से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को एड करोगे। अब इन सभी का हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कॉम्यूटेटिव का, कॉम्यूटेटिव का एग्जाम्पल।
मान लेते हैं, सभी का कॉमन ले लेते हैं कि जो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i + 4j + 3k, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i + 3j + k, ये बी वेक्टर। और जहां पर सी की जरूरत है तो हम सी भी लिख लेते हैं, सी की वैल्यू होगी i + 2j + 3k। ये रैंडम वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस कहीं पे कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो कॉम्यूटेटिव प्रूव करते, पहले ए में बी जोड़ते हैं। अगर पहले हम ए में बी जोड़ेंगे, ए के अंदर बी को ऐड कर दो, कितना होगा, 3 + 2 = 5। तो देखो ए के अंदर बी को ऐड करो, क्योंकि यही है ना लेफ्ट साइड, ए प्लस बी, ए कितना है 3i और ये कितना है 2i, तो कितना हो गया 5i। फिर ए कितना है 4i, बी कितना है 3j, यहाँ पे j आएगा 4j और ये कितना है 3j, तो कितना हो गया 7j। थर्ड 3k और k, टोटल कितना हो गया 4k। अब इसको उल्टा कर दो, b के अंदर a को जोड़ो, ये है 2i, अब 2i में 3i को जोड़ दो, कितना आ गया 5i। इसी तरह 3j के अंदर 4j को जोड़ दो, कितना आ गया 7j, और इसी तरह k के अंदर कितना आएगा 4k। तो दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये होगी हमारी कॉम्यूटेटिव का प्रूफ। इसी तरह हम एसोसिएटिव के अंदर देख लेते हैं। एसोसिएटिव में देखो a + b का रिजल्ट हम यहां से ले लेते हैं एज इट इज, तो कितना हो गया 5i 7j + 4k, और उसके अंदर c जोड़ दो, c मतलब ये वाला i + 2j + 3k = a + b + c आना चाहिए। सबसे पहले हम a की वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, 4j + 3k, ठीक है। अब प्लस बी प्लस सी को जोड़कर लिखते हैं यहां पे ब्रैकेट में, b + c, बी के अंदर सी को जोड़ दो, 2i + i 3i, 3j + 2j 5j, k + 3k 4k हो गया। इस तरह हमने ऐड कर दिया। अब इसको और सोल्व कर दो, 5i और i 6i, 7 2 9j, 4 3 7k, 3 + 3 6i, 4 5 9j, 3 4 7k। तो ये देखो सारी टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी ट्रू है। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव हमने देख ली, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम मान लेते हैं लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3a + b, 5i + 7j + 4k = अब लैम्डा की वैल्यू a से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा कितना है 3, सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करो, a की वैल्यू ये है, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 9i, 4 की 3 से 12j और 3 की 3 से 9k, प्लस फिर लैम्डा की मल्टीप्लाई b से, b मींस ये वाले, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यहां से भी 3 से करोगे तो 6i 9j + 3k, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब देखो सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया 15i 21j 12k, यहां पे देखो 9 और 6 कितना हो गया 15i, सेम है दोनों, ठीक है। 12j और 9j, 12 और 9 कितना हो गया यहां पर हमारा 21j, ये भी मैच हो गए। थर्ड है 9k, 9 और 3 कितना आ गया यहाँ पे 12, तो ये कितना आ गया 12k, तो हमारी थर्ड टर्म भी मैच हो गई। तो मतलब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ये भी क्या है, ट्रू है। तो ये थे वेक्टर एडिशन की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।